हेलो गाइस, मैं आया हूँ आज बाढ़ का मैं कॉलेज के आगे और मेरे साथ है मेरे दोस्त कपिल। हेलो। और हम यहाँ पे थोड़ी गाना वाना गाने के लिए आए थे, थोड़ी हमने वीडियो वीडियो बनाई, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं पार्क का नज़ारा। थोड़ी कैसे यहाँ पेड़ पौधे हैं बढ़िया से, तो आप इंजॉय कीजिए। तो कपिल जी क्या कहेंगे आप? आज की जो वीडियो आने वाली है वो बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है और आप सभी से एक अनुरोध है, वीडियो देख के लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें और जल्दी से व्यूज बढ़ाएं। और यहाँ पे देखिए शाम के टाइम में पार्क में काफी भीड़ भाड़ भी है और हम निकल पड़े हैं यहाँ से धीरे धीरे। ठंडी सड़क सड़क हल्द्वानी की जानी मानी सड़क कहते हैं, कॉलेज के आगे सड़क है यहाँ पे और भीड़ भाड़ भी काफी। वक्त हमें यहाँ पे लग चुका है आज आया हुआ, अब हमें लगता है कि जाके बहुत जल्दी जो हमारा आज का शूट है वो कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं दमदार वीडियो के साथ, अभी आपको और आगे दिखाते हैं नज़ारा। काफी भीड़ है यहाँ रोड में भी शाम के टाइम पे, अभी बीच में कोरोना काल चल रहा था तो लोग घर से बाहर नहीं निकल लेते, अब धीरे धीरे करके लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अभी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, लेकिन अब कब तक का लोग घर बैठे रहेंगे? अभी कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम भी है, मनी प्रॉब्लम भी है सबकी, तो इसीलिए हम चल पड़े हैं यहाँ से पैदल पैदल घर को, अपने घर यहाँ से कम 1 किलोमीटर तक दूर हमारा घर होगा यहाँ से, हम वहाँ को निकल पड़े हैं। वीडियो बनाने के लिए आए थे हम आज यहाँ पे, थोड़ी वीडियो बनाई पार्क में और अब निकल पड़े हैं। अगर कॉलेज में फिर योगा चल रहा है बच्चों का, किसी का वो योगा कर रहे हैं बढ़िया से। ये कॉलेज के आगे फूल की दुकान हमेशा काफ़ी भी रहती है, हम यहाँ पे ट्रैफिक में फंस चुके हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी ट्रैफिक है हल्द्वानी में, और ये हमारा बगल में कॉलेज भी दिखाई है, कॉलेज की बिल्डिंग यहाँ पे, कॉलेज देखिए आप जी। कभी हम यहाँ पे दिन में भी आया करते थे, अब तो कॉलेज ही समाप्त होने वाला है, आप हमारे कॉलेज के दिन से ले गए हैं, तो हम टहल रहे हैं ऐसी आशिक आवारा के जैसे लगे पड़े हैं। कपिल जी काफ़ी खुश है आज हम यहाँ पे आते हुए, अब हमारे साथ ही रह रहे हैं। पार्क में क्रिकेट भी चल रहा है, वहाँ पे किसने बैट पकड़ रखा है, लगे पड़े हैं सब अपने अपने से। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, मेटल्स के बर्तन है, काफी सुंदर। 7 बजने को है और हम यहाँ पे लगे पड़े हैं घूमने में, अभी थक गए हैं, 4 बजे से आए हुए हैं हम वीडियो शूट करने के लिए। कपिल जी बहुत थके हुए हैं, इनके चेहरे में आप पसीना देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलेज का गेट, मेन गेट, हम आ चुके हैं डीसी पे, दुर्गा सिटी सेंटर पे, और गाड़ियों से बच के चलना है, काफ़ी भीड़ है, रोड भी खराब हुई है पूरी। मज़ा आया, आज का दिन भी अच्छी बहुत अच्छा गया है और काफ़ी इंजॉय किया सुबह से, अभी इधर कभी उधर घूमने घामने में चले गया। आज का दिन पूरा संडे था तो सुबह काम हम निपटाए और आज सोचा था कि वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने के लिए निकल पड़े मैं और कपिल, काफ़ी एक्साइटेड थे आज कपिल हमारे साथ आके, खुश भी हैं काफ़ी, अच्छी बात नहीं है, आज ये पहले बार मेरे साथ वीडियो में है, अब अक्सर आपको दिखा करेंगे ये, आप मुझे देखा करोगे कहने का मतलब ये है, कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, अभी देखो ये डीसी पूरा, और बाकी आपको मिलते हैं 2 मिनट बाद, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है तो आवाज़ ज़्यादा आ रही है, जब हम अपनी वाली रोड में पहुँच जाएंगे तो थोड़ी आवाज़ कम हो जाएगी ट्रैफिक की, तो थोड़ी तो हम थोड़ी ट्रैफिक से कम वाली ट्रैफिक पे आ चुके हैं यहाँ पे, और काफ़ी गर्म भी हो गया पैदल पैदल, ऑटो में जाके मज़ा नहीं आता है थोड़ी, और बाइक से जाने का मन नहीं है, मैंने कहा कहाँ पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है,
तो पैदल यात्रा की जाए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना। देखिए हमारा फूड लवर आ गया है। फूड लवर, अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई पार्टी अगर देनी है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक हो गया, कपिल जी ने आपको सब बता दिया है। ये जाने माने हैं यहाँ के, इनके दोस्तों के काफी होटल है यहाँ पे, तो आप संपर्क कीजिए कपिल जी से, ये आपको बहुत कुछ बता सकते हैं मल्दानी के बारे में, क्योंकि पुराने वासी है ना यहाँ के, ये तो इनको सब पता है। बाकी यहाँ पे चाट फेमस है, दिल्ली चाट। अगर आपको चाट खाने हो तो चाट खाना है आपका, तो ओके आप देंगे, खिलाएंगे हम। देखिए यहाँ पे काफी फल है, आप जब कितनी भीड़ है यहाँ पे देखिएगा, आप काफी भीड़ है। हाँ तो बनता है कुछ, कह रहे हैं पता नहीं बनता क्या है, चुम्मा का बनता है। देखिए चाट हाट तो हम खाते नहीं है क्योंकि थोड़ी वर्कआउट करने वाले हैं, तो चाट हाट कम ही खाते हैं। देखिए और कभी की और बताइए कुछ अपने बारे में, तुम कहाँ से मिले हमें, कहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, स्कूल से करना टाइम हो गया हमें साथ में, काफी गर्मी है गाइस यहाँ पे, और लोग आइसक्रीम भी खा रहे हैं, दिखाइए इनको। आइसक्रीम खाने का दिखाना किसी को भैया, ये तो ऐसी है, कपिल जी काफी फनी है ना, ये बताते रहते हैं। जय हो प्रभु की आरती भी हो रही है आगे, अभी आपको दिखाते हैं मंदिर का, यहाँ पे नजदीकी मंदिर भी है वहाँ पे दिखाते हैं आपको, आरती भी हो रही है, अक्सर आते रहते हैं हम यहाँ पे। तो हम मंदिर के करीब पहुँच चुके हैं, तो आरती हो रही है, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अरे देखिए दोस्तों यहाँ पर डीसी में बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम भी है, अगर आपको कभी पैसे निकालने आपत्ति हो जाए तो आप यहाँ पर से अपना कैश ले सकते हैं। तो हल्दानी में तो खत्म ही हो गया ऐसे एटीएम, यहाँ तो ना यहीं से एक एक एटीएम बचा पड़ा है डीसी में, अगर कभी आपको आपत्ति हो जाए। अरे देखिए हनुमान जी का काफ़ी सुंदर मंदिर है, बालाजी महाराज की जय हो। चल देते हैं ना, तो और दिन हम आरती में जाते ही हैं, तो हमने कहा आज चलते रहते हैं, थोड़ी लेट भी हो जाएगा क्योंकि और आरती भी अब हो ही चुकी है, आरती भी ख़त्म हो चुकी है, तो हमें निकलना चाहिए। और आज देखो नई यहाँ पे दुकान ओपनिंग हो चुकी है टंबल ड्राई करके, तो यहाँ पे ये लॉन्ड्री, यहाँ पे फूड स्टैंड है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट, लॉन्ड्री खुल चुकी है टंबल ड्राई करके, आपको ड्राई क्लीन अगर करवाना हो कभी तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। मशीन ऐसे हालत ख़राब हो गई है, आज संडे के दिन जिम तो नहीं गए थे, तो जिम की वर्कआउट यहीं हो गया, सारी कैलोरीज बर्न कर दी हमने, और यही है अपनी रोड, इसमें इस सीधे हमारा घर है आगे। काफ़ी मज़ा आ रहा है आज, काफी दिन बाद पैदल पैदल चलने को मिल रहा है। और गाइस अभी हम आ चुके हैं सेक्रेड हार्ट के बगल में, अगर आपको अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन अगर देने तो स्कूल बहुत जाना माना माना जाता है यहाँ पे, आप उनको यहाँ पे एजुकेटेड करने के लिए। मैंने पहले कहा था ना कपिल जी काफी नॉलेज रखते हैं स्कूलों के बारे में, मंदिरों के बारे में काफी नॉलेज है इनको। और ये आ गया यहाँ पे श्री गणपति वेंकट हॉल पे आ गए गाइस हम, अगर आपको कभी अपने कोई रिलेटिव्स या अपने कभी कोई बच्चे या किसी के लिए अगर शादी विवाह की पार्टी करानी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है। हाँ बस आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आगे दिखाते हैं आपको और भी यहाँ की सुंदर और देखने लायक वस्तुएं और बाजार जो हमारा है। कपिल जी भी अभी कुछ टाइम बाद यूट्यूब में आने वाले चैनल इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसमें भी वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं किए हैं, सही है इनके वीडियो अपलोड होते ही ये साथ जाने वाले हैं, ऐसे वाले आदमी है, इन्हें हम जहर नाम से बुलाते हैं, इसका कतई जहर है। ये तो यहाँ का फेमस है भाई, ये गार्डन है फेमस है श्यामा गार्डन, इतना अच्छा है, चीन की दीवार जैसे पूरे पेड़ सीने पड़े यहाँ पे,
रोडों में भी काफ़ी भीड़ भड़ाका हो गई है पहाड़ की, क्योंकि दूर है यहाँ से थोड़ी, हम लोग बहुत पैदल आ चुके हैं। 1 किलोमीटर से ऊपर का हमने हासिला कम से कम तय कर लिया है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, अब हम पहुँचने वाले हैं अपने घर और अंधेरा भी हो गया है और हमें लग रहा है थोड़ा बहुत डर। हाँ क्योंकि हमारे तो बड़े भाई वो बहुत सख्त लौंडे हैं, सख्त लौंडे भाई। ओके बाय बाय।